एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक बाप बेटी रहते थे। नागैया नाम के आदमी की एक बेटी थी जिसका नाम था शारदा। बचपन में ही शारदा की माँ की मृत्यु हो जाने के कारण नागैया ने उसे बड़े जतन से पाला था। शारदा की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए नागैया उसकी शादी के लिए खेतों में मजदूरी करके पैसे बचा रहा था। एक दिन नागैया शादी का रिश्ता मिलाने वाले एक आदमी पिरैया के पास गया। अरे नागैया, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मुझसे कुछ मदद चाहते हो? बताओ क्या कर सकता हूँ। और क्या काम पिरैया, मैं तुमसे अपनी बेटी के लिए अच्छा सा वर ढूंढने के लिए कहने आया था। तुम्हारी बेटी के लिए? देखने में उतनी अच्छी नहीं है वैसे। खैर, ईश्वर ने कोई तो बनाया ही होगा उसके लिए। कोई तस्वीर हो तो दे दो। नागैया को पिरैया की बात बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। यहाँ ये तस्वीर रख लो। ये कहते हुए उसने शारदा का फोटो पिरैया को दे दिया और घर लौट आया। शारदा बेटी, मैंने तुम्हारी तस्वीर पिरैया को दी है। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी चैन की सांस लूंगा। लेकिन पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तो क्या सारी उम्र मेरे सिर पर बैठी रहेगी? लोग जो 10 तरह की बातें करेंगे, वे कहेंगे इस आदमी ने अपनी बेटी को घर पर ही बिठा रखा है। उसे उसकी शादी वादी से कोई मतलब नहीं। सब मेरे बारे में गलत बात करें, मुझे बुरा भला कहें। तुम ये चाहती हो क्या? नहीं पापा, मैं ऐसे नहीं चाहती। फिर अब और कुछ मत कहो। जो होगा ईश्वर की मर्जी से ही होगा ना बिटिया। इतना कहकर नागैया अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद पिरैया नागैया के घर आया और बोला, सुनो नागैया, मैंने तुम्हारी बेटी की फोटो कई लोगों को दिखाई। उस फोटो को देखने के बाद सभी ने ना कर दी। इस तरह तो शादी होने की नहीं है। एक लड़का मिला है नागैया, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आगे बोलूं। हाँ हाँ बोलो ना पिरैया। एक लड़का है, देखने दाखने में तो अच्छा है लेकिन बोल नहीं सकता। परिवार अच्छा है नागैया, उसके माता पिता तुम्हारी बेटी को अच्छे से रखेंगे। अगर तुम और तुम्हारी बेटी इसके लिए राजी हो। ठीक है, मैं अपनी बेटी से एक बार पूछकर बताता हूँ। पिरैया ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। शारदा ने दीवार के पीछे खड़े होकर उनकी बातचीत सुन ली थी। उसने नागैया से कहा, पापा मुझे रिश्ता मंजूर है। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। मुझे पसंद है पापा, मैं कर लूंगी उससे शादी। तुरंत नागैया पिरैया के घर गया और हां कहा। यह सुनकर पिरैया भी बहुत खुश हुआ। फिर उन्होंने शादी की तैयारी शुरू कर दी। नागैया बहुत खुश था कि आखिर उसकी बेटी की शादी होने जा रही थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अरे नागैया, मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी बदकिस्मत लड़की नहीं देखी। क्या हुआ पिरैया, ऐसी बात क्यों निकाल रहे हो मुझसे? पता नहीं किस घड़ी में ये रिश्ता तय हुआ था। उस लड़के की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई नागैया। लगता है कि तुम्हारी बेटी की कुंडली में दोष है, इसीलिए इतनी दिक्कतें आ रही है उसकी शादी में। अच्छा खासा घर ढूंढा था, मुझे माफ करना। हैरान परेशान पिरैया वहां से चला गया। नागैया जैसे टूट सा गया। हे भगवान, आपने मेरी बेटी की इतनी बुरी किस्मत क्यों लिखी है? इस बीच शारदा ने बाहर आकर कहा, पापा तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? मेरी शादी ना हो तो भी ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पापा मुझे कहीं मत भेजो। बेशर्म लड़की, मुझे अपना चेहरा मत दिखा। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या जिंदगी भर। पापा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या ये मेरी गलती है? क्या मैं अपने आप पैदा हो गई? अगर तुम इस तरह कहोगे तो मुझे चुप कौन कराएगा? चली जा, मर जा कहीं जाकर, कैसे मिलेगा मुझे तुझसे छुटकारा। शारदा फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन सुबह नागैया खेत चला गया और शाम में घर लौटा तो उसने शारदा को मरा हुआ पाया। बेटी शारदा, क्या हुआ मेरी बच्ची? शारदा क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर उसे शारदा के पास एक पत्र मिला। नागैया उसे पढ़ने लगा। पापा मुझे माफ कर देना, आपने बचपन से ही मुझे बहुत प्यार से पाला है। मुझे मेरी माँ की कमी कभी नहीं महसूस होने दी। मुझे पता है कि आप मेरी वजह से कितने दुखी हैं। अगर मैं नहीं होती तो आपका जीवन कितना अच्छा होता ना। आपने दूसरी शादी कर ली होती और आराम से रह रहे होते, लेकिन मेरी वजह से आपने दूसरी शादी नहीं की। मेरी वजह से माँ की मौत हो गई।
मैंने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, इसलिए तुम्हें सच में छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना, लेकिन अब अच्छे से रहना। मुझे तुम्हें छोड़कर जाते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में एक अच्छी शक्ल के साथ मुझे तुम्हारी ही बेटी बनाए, तुम्हारी बेटी शारदा। पत्र पढ़ने के बाद नागैया रोने लगा। बेटी शारदा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं गुस्से में आकर चिल्ला दिया था तुम पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गलत काम कर लोगी। बिटिया, अपने पिता को कैसे छोड़ दिया? बेटी, मैंने गलत बात कहकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बिटिया, तुम ही तो मेरी दुनिया थी, सब कुछ थी मेरे लिए। मुझे तुम में कभी कोई कमी नहीं दिखाई थी। बिटिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें अपने बाबा का गुस्सा इस कदर चोट पहुंचाएगा। जब तुम ही नहीं तो मैं अब क्या करूंगा, किसके लिए जीऊंगा? नागैया को सदमा लगा और अचानक दौड़ा पड़ने से उसकी मौत हो गई। नवे भाग में चंद्रिका ने शेखर की शादी किसी असल लड़की के साथ करने का फैसला किया, लेकिन शेखर इसके लिए राजी नहीं हुआ। तब चंद्रिका ने शैतानों के मुखिया से शेखर को समझाने के लिए कहा। शैतानों के प्रमुख और युवराज ने शेखर को मनाने का एक बार फिर मन बनाया। लगता है शेखर की शादी के चक्कर में हम मर ही जाएंगे। चचा, कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो पहले ही मर चुके हैं, और कैसे मरना है? उल जलूल बकना बंद करें और सोचें कि शेखर को कैसे समझाएं। तभी शेखर घर वापस आ गया। तब युवराज ने शेखर के पास जाकर उससे कहा, देखो शेखर, एक बार हमारी बात जरूर सुनो, अपने उज्जवल भविष्य को बर्बाद मत करो। कृपया एक अच्छी लड़की का चयन करके उससे शादी कर लो। अरे, तुम अभी तक इस मामले को नहीं भूले? तुम जो भी कहो, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हूँ। फिर शैतानों के मुखिया और युवराज ने लंबे समय तक शेखर को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे उसका निर्णय बदलने में नाकाम रहे। शेखर ने उनकी बातें नहीं सुनी और अंदर चला गया। शैतानों का मुखिया निराश सा हो गया। मैंने ऐसा जिद्दी आदमी आज तक नहीं देखा। मैंने मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हल किया है, लेकिन ये समस्या कुछ और ही है। चचा, तुम्हारी हालत देखकर मेरी हंसी फूट रही है। हंसो युवराज। इसी बीच चंद्रिका बाहर आ गई और बोली, क्या हुआ युवराज भाई, शेखर शादी के लिए राजी हो गया ना? उस बात को छोड़ दो ना, तुम दोनों जिद्दी हो। हमने शेखर से बात की, उसे बहुत समझाया, लेकिन वो राजी नहीं है। चंद्रिका, तुम छोड़ दो इस बात को। तब मैं इस मामले पर खुद शेखर से बात करूंगी। और चंद्रिका शेखर के पास गई। चंद्रिका को देखकर शेखर ने कहा, आओ चंद्रिका, ये लोग मुझसे कल से शादी करने के लिए कह रहे हैं, तुम उन्हें समझाती क्यों नहीं हो? शेखर, मैंने ही उनसे कहा कि आपसे एक लड़की से शादी करने के लिए कहें। लेकिन तुमने उनसे ऐसा कहा ही क्यों? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने कैसे सोचा कि मैं दूसरी लड़की के साथ शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा? यह गलत है। यदि आप वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं तो एक लड़की का चयन करें और उससे शादी करें। चंद्रिका, ये कभी नहीं होगा। और शेखर ने गुस्से में चंद्रिका पर चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर वे इसी तरह काफी समय तक बहस करते रहे। युवराज और शैतानों के मुखिया से जब उनकी बहस बर्दाश्त नहीं हुई तो वो आकर बोले, रुक जाओ, ऐसा लग रहा है कि इस घर की छत तुम दोनों की तेज आवाज के कारण उड़ ही जाएगी। बात करने के लिए कुछ नहीं है, शादी के विषय को फिर कभी ना लाएं। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है, शेखर ने सख्ती से कहा। इससे चंद्रिका बहुत दुखी हुई। देखो शेखर, ये दोबारा शादी नहीं है, मैं एक शैतान हूँ। इस समाज के कुछ मूल्य हैं, ये सही नहीं कि इंसान शैतानों के साथ रहें। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ एक अच्छा बंधन होना चाहिए। शैतान और इंसान के बीच ये मुमकिन नहीं है। इस तरह का बंधन कभी स्थायी नहीं हो सकता। यदि तुम एक अच्छी लड़की का चयन करते हो और उससे शादी करते हो तो उसके साथ तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा। शेखर, मैं जो भी कह रहा हूं या कर रहा हूं, सब कुछ आपकी खातिर। आप एक बार सोचें, हमारी बात सुने और एक लड़की से शादी कर लें। आप चाहे तो हम आपके लिए एक अच्छी लड़की तलाश करेंगे। तब भी शेखर के फैसले में कोई बदलाव नहीं आया। इससे चंद्रिका नाराज हो गई।
देखो शेखर, यदि तुम अपनी हट पर बने रहोगे तो मैं कहीं दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। शेखर को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने कहा, नहीं नहीं चंद्रिका, इस तरह बात मत करो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। शेखर के शादी के लिए राजी होने पर सभी को खुशी महसूस हुई। इस बीच शेखर ने कहा, लेकिन एक शर्त है। वो क्या है बताइए। इस शादी के बाद चंद्रिका को यहीं मेरे पास रहना होगा। मैं शादी तभी करूंगा जब वो मेरे साथ यहां रहने के लिए राजी होगी, वरना मुझे किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं करनी। ये कैसे संभव है शेखर? हम चाहते हैं कि आप उस लड़की के साथ खुशहाल जीवन जीने के लिए शादी करें, फिर मैं यहाँ क्यों रहूंगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा। सब फिर निराश हो गए। फिर शैतानों के मुखिया और युवराज ने चंद्रिका को शेखर के साथ रहने के लिए मना लिया। फिर उन्होंने दुल्हन की तलाश शुरू की। जब शैतानों का मुखिया और युवराज लड़की खोजने निकले तो रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली जो रो रही थी। दोनों ने उस लड़की के पास जाने की सोची। वो लड़की कौन है और क्यों रो रही है, जानेंगे शैतान चंद्रिका के अगले भाग में।